सीधा चलते हैं रासल विधानसभा के बाहर की तरफ, जहां पर मंत्री मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। टीआरसीपी मॉडिफाइड पीकेसी जो बनाई है, जिस पर कल एमओयू हुआ था, एक राजस्थान की जनता के लिए महत्वपूर्ण योजना लागू हुई थी, जिसको आज माननीय विपक्ष के सदस्यों ने जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लोगों को इन्होंने केवल झूठा हंगामा करके ये महसूस करा रहे हैं कि इन्होंने गलत समझौता किया है, इस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। सदन में हमने काफ़ी बातें करी है, उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट भी बताई है, ताकि मैं आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि पिछली जो सरकार है, जब 2018 के अंदर हमारी सरकार यहाँ पे कांग्रेस की आई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आई, और कोई भी राष्ट्रीय परियोजना को अगर उस पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाता है, जिसमें दो स्टेटों को मिलती है, तो उसके अंदर 75% पानी की उपलब्धता पर ही दिया जाता है। इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए राजस्थान सरकार ने माननीय कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने इसमें मना कर दिया कि हम इस पर 50% है, इस पर हम नहीं देंगे, आप 75% करके भेजो। जब योजना का मध्य प्रदेश इनको मना कर दिया था, 5 साल तक ये राजनीति करते रहे, इस पर कोई काम किया नहीं, और इन्होंने जल्दबाजी में केवल एक शो करने के लिए साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान को पैसे नहीं दे रहे, हम हमारे स्तर पर ही इस योजना को पूरा करेंगे। इन्होंने मोटा मोटा 15,000 करोड़ की एक योजना बनाई, 15,000 करोड़ की योजना के अंदर केवल 200 करोड़ रुपये का इन्होंने बजट का प्रावधान किया, और बाकी कोई टापू भेज दे, ये भेज दे, एक तरह से लोगों को गुमराह किया। उसमें इन्होंने जो पानी की जो व्यवस्था करे थे, लगभग 550 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की व्यवस्था करने का इन्होंने 15,000 करोड़ में, जबकि आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी और गजेंद्र सिंह जी, जल शक्ति मंत्री जी को, जिन्होंने इस योजना के अंदर हमें जो हमारे जो जरूरत है, 2400 MCM पानी तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पानी जो हमारे कोई नदियां जोड़ने में, कोई बांधों को जोड़ने में, बीच में कोई छोटे बांध जाते हैं उनको भी डालने की एक्स्ट्रा प्रावधान DPR बना, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा अगर 2400 भी अगर ज़्यादा बढ़ता है, अगर 3000 भी होता है तो भी हम देंगे, उसमें DPR में भाई डिटेल बना के तो और बढ़ा देंगे पानी, ये भी देंगे। और सबसे बड़ी धन्यवाद राजस्थान की जनता का, जो ये जो माली हालत थी राजस्थान में, पैसे की जो कमी थी, इन्होंने 5 साल तक जिस तरह से राजस्थान की जनता के पैसे को लूटा, हमारी आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर थे, हमारी मजबूती देने के लिए इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना में जोड़ते हुए इसमें 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, और अगर उस पैसे का हम आकलन करें तो हमारे हिस्से में केवल 4,000 करोड़ रुपये ही आ रहे हैं, और 4,000 करोड़ रुपये में भी जो हमारी पूर्व सरकार वसुंधरा जी के समय में इसी योजनाओं का भाग था, नौनेरा बांध, ईसरदा बांध, उसमें 1800 करोड़ रुपए जो पैसा लगा था उसको 4,000 करोड़ वो भी भरेंगे, बचे हमारे 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए भी 100 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से दो, ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं, इससे बड़ा योगदान राजस्थान की जनता के लिए क्या हो सकता था। अगर मध्य प्रदेश सरकार हमसे समझौता नहीं करती, ये कोर्ट में चले जाते, और ये अगर ये रुक जाता समझौता, तो जिस तरह से तमिलनाडु और कर्नाटक का विवाद 50 वर्षों से नहीं सुलझ रहा, क्या ये राजस्थान की जनता को बर्बाद करना चाहते थे ये लोग, किस तरह से हंगामा करना चाहते, क्योंकि इनको पच नहीं रहा, इतना बढ़िया काम हो गया कि अब जिंदगी भर के लिए कांग्रेस मिट जाएगी अगर ये योजना यहाँ पर लागू होगी, इसलिए तो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ इन लोगों को, आप भी, क्योंकि आप मीडिया के बहुत बंधु हो, मैं तथ्यात्मक बात बोल रहा हूँ, इसमें मेरी एक भी गलत हो तो बिल्कुल आप मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, बाकी ये सिर्फ को गुमराह करेंगे इससे बस। हमारी सरकार ने वसुंधरा जी के समय में 2400 MCM की योजना बना के DPR भेजी थी, जिसमें 50% डिपेंडेबिलिटी उपलब्धता के आधार पर DPR थी, उसको जब CWC के अंदर परीक्षण किया गया, ये लोग गुमराह करें कि मोदी जी ने कहा था कि मैं आपको इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था, ये योजना का हमारा तखमीना हमारे पास CWC में आ गया, उसका परीक्षण करने के बाद में वो सही होती है, राष्ट्रीय दर्जा हम देंगे, जब उसका परीक्षण किया गया और उसका NOC, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय योजना घोषित की जाती है 75% पानी की उपलब्धता भी की जाती है, ये दो राज्यों का समझौता था, दूसरे राज्य से NOC लेनी जरूरत थी, दुर्भाग्य से राजस्थान की जनता ने इनके झूठे जासे में आके, कर्जा माफी में आके, बेरोजगारी भत्ते में आके यहाँ पे सरकार बदल गई, बदलने के बाद में माननीय गहलोत साहब ने
उसकी एनओसी लेने के लिए मध्य प्रदेश में लेट पत्र भेजा। उस पत्र में माननीय कमलनाथ जी, वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया कि इसके अंदर 50% उपलब्धता पे हम एनओसी नहीं देंगे, इसको 75% पे करके भेजो। तब से लोग 5 साल तक उस चीज़ें को केवल मोदी जी को कहते हैं, मोदी जी पैसे नहीं दे रहे, मोदी जी राष्ट्रीय योजना के 90% पहले तब भी देने को तैयार थे, बाकी उसका पेपर को तो कंप्लीट करके भेजते, एनओसी तो मध्य प्रदेश से लेते ना। बाकी मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन कुकर्मियों को मिटाया, इनको भगाया और वापस डबल इंजन की सरकार बनाई, उसी के बदौलत आज वापस जो इस योजना बनाई तो उससे भी ज़्यादा पानी मिल रहा।